सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक नई रेसिपी, जिसे कहते हैं दाल तड़का, वो भी ठावा स्टाइल। है ना यम्मी दिखने में, और इसमें कुछ झंझट नहीं है, कुछ नहीं करना, घर की है, होममेड है, घर में बनी है। तो चलिए क्विक स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने चार दालों को मिक्स करके बनाया है, तुअर दाल, चना दाल और मसूर की दाल और उड़द की दाल। ये चारों दालें मैंने बिना छिलके की ली हैं, और मैंने इनको 15 to 13 मिनट सोक कर दिया था वाटर में, अच्छे से वॉश करके। सो इसमें क्या होता है ना, आप अगर वॉश कर देते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको सीटी नहीं लगानी पड़ती, ये हार्डली 2 विसल में हो जाती हैं बॉयल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू दाल, एंड देन 1 बिग अनियन, प्याज, अदरक, पिंच ऑफ अदरक, 3 गार्लिक और 1 ग्रीन चिली, देन 1 बिग टमाटो, उसको मैंने हाफ कट करके 4 पीसेस में डिवाइड करके डाला है। देन यहाँ पे मैं हल्दी डाल दूँगी 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, जैसा आप खाते हैं कम ज़्यादा वैसा डाल लीजिए। अब हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। इस टाइम मैंने गैस ऑन नहीं करी है, गैस बंद है बाय द वे, क्योंकि अभी यहाँ पे गैस ऑन करने का कोई काम नहीं है। तो आप गैस बंद करिए, फिर हम इसको कवर कर देंगे, एंड देन हम उसको 2 विसल में रेडी करेंगे। 2 to 3 विसल में बॉईल हो जाएगी, एंड देन फिर हम इसको ठंडा करके कुकर को फिर हम उसको ओपन करेंगे। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है ना, दालों में जो होता है डिफरेंस हो जाता है। जैसे तुअर की दाल आपने देखा होगा, कभी मोटी भी आती है एंड देन कभी बारीक भी आती है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास कौन सी दाल है। मोटी वाली है तो उसमें आप 2 to 3 विसल, मतलब 3 विसल तो जाएगी ही जाएगी, एंड देन जो छोटी वाली दाल होती है उसमें वो 2 विसल में हो जाती है, बॉयल अच्छे से हो जाती है 2 विसल में। तो यहाँ पर हमने लिड ओपन कर दिया है, हमारी दाल जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। देन सेम थिंग मैं पील्स निकाल लेती हूँ टमाटर के, क्योंकि पसंद नहीं है वो, सब दिखते हैं और अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो टमाटो के पील्स हैं वो निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पीस निकाल दिए हैं टमाटर के, और अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो मैंने एक पैन ले लिया है, एंड देन पैन में मैं डालूँगी ऑयल। यहाँ पे आपको ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, ऑयल कम लेंगे तो तड़के में फिर वो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता और वो ढाबा जैसा लगेगा भी नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, ढाबे में तो आपको मालूम है बटर घी में बनाते हैं हम, फिर भी कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा। देखिए मैंने ज़्यादा ही लिया है अकॉर्डिंग टू योर दाल, कि आपने कितनी क्वान्टिटी में दाल बनाई है उस हिसाब से आप ऑयल लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ मैंने 2 रेड चिली ली हैं, और ये काफ़ी तीखी होती है, एक तीखी वाली भी आती है और एक नॉर्मल भी आती है। ये मेरे पास नॉर्मल है, तीखी वाली भी है, बट वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। एंड देन 2 ड्राई रेड चिली आप इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे 2 लौंग डाली है मैंने, लौंग भी डाल दीजिए, और इसको चटकने दीजिए थोड़ा, मिर्च को अच्छे से भूनना है। लौंग जो है वो देखिए फूली हो गई है, तो उनको चटकने देना है लौंग को, नहीं तो फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने हींग डाला है 1/2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, जीरा थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जीरा डाला है, और 1 चम्मच हल्दी, गरम मसाला 1 चम्मच,
और यहाँ पे अब हम डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च आपको ज़्यादा डालनी है, इसमें कुछ तीखापन तो होता नहीं है, कलर के लिए यूज़ करते हैं तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप 2 चम्मच लीजिएगा। और यहाँ मैंने डाली है कस्तूरी मेथी, जो होती है अपनी कसूरी मेथी भी बोलते हैं उसको, और कस्तूरी मेथी भी बोलते हैं वो, मैंने यहाँ पे थोड़ी डाल दी है। तेल गरम होने के बाद, जब अच्छे से तेल गरम हो जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप सब मसाले वसाले ऐड करिएगा अपने। अगर आप नहीं बंद करेंगे और उसको चालू रखेंगे तो आपके मसाले जलने के चांसेस हैं, तो दैट्स वाई उसको आप बंद कर दीजिए। जैसे ही गर्म हो जाता है तेल, आप बंद कर दीजिए इस फ्लेम को। और यहाँ मैं पूरा दाल में अच्छे से डाल दूँगी। और ये जो स्मोक दिख रहा है ना आपको, धुआँ, इसको आपको कवर करना है। अब फटाफट से इसको हम ढक देंगे, मतलब आपको तड़का उसमें डाल के और फटाफट से उसका लिड लगा देना है 2 to 3 मिनट्स के लिए। सो 2 मिनट्स के बाद हम उस कुकर का कवर ओपन करते हैं। एंड देन इसमें क्या होता है ना, आप लिड लगा देंगे और तुरंत तो स्मोक जो है, वो जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर अच्छे से दाल में पूरा अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा। एंड देन उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसीलिए हम कभी भी किसी भी चीज़ में छोंक लगाते हैं, जैसे ऊपर से तड़का लगाते हैं, तो हम उसको तुरंत कवर कर देना चाहिए 2 to 3 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे मैंने अच्छे से उसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दिया है। अच्छे से इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के बाद आप इसको कवर करके रख दीजिए। तो देखिए, हमारी जो दाल तड़का है वो भी ढाबा स्टाइल घर में ही रेडी हो गई है, एकदम हाइजीनिक होममेड ढाबा स्टाइल दाल। सो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट करके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।